कर लेता हूँ तेरे सवाल, कोई बात इनका इनकी इनकी बैटरी डेड हो गई यार। आई थिंक बहुत समय से होस्टिंग कर रहा हूँ पर आज भी उतनी ही एक्साइटमेंट होती है। मुझे बहुत पसंद है स्टेज पे जाना, होस्ट करना, मज़े करना, और अच्छा ये लगता है जो मैं करता हूँ लोगों को वो पसंद आता है। तो बस कोशिश करता हूँ हर साल उसको और इम्प्रूव करता रहूँ और लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँ। नहीं मैं खुद बहुत देखता हूँ यार, आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म जो हैं चाहे जितने भी हों लोगों को बहुत पसंद है। आई थिंक जो कंटेंट वहाँ पे आ रहा है लोगों को वो बहुत पसंद है, और पहले सिर्फ होता था एक दो शोज़ की बात होती थी, आजकल हर तरह के शोज़ की, हर लैंग्वेज के शोज़ की बात होती है। सो आई थिंक या ये दिन ब दिन क्रेज़ बढ़ रहा है। हाँ मैं भी OTT पे डेब्यू करने वाला हूँ, तो फ़िलहाल उसी की वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है। ज़्यादा नहीं बता सकता, रितम श्रीवास्तव जो हैं वो उसके डायरेक्टर हैं, जी सीम्स प्रोडक्शन हाउस है, जियो है, यू नो जियो स्टूडियोज जो है, आई थिंक वो बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं, पूरा उन्हीं का है। तो आई थिंक एक एक थ्रिलर है, ड्रामा है, एंड लोगों को एक अलग रूप में देखने को मिलेगा। देखिए मैं एक तो नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज ये लिस्ट बहुत लंबी है। आजकल लोगों के OTT प्लेटफॉर्म फेवरेट नहीं होते, OTT पे आया कॉन्टेंट फेवरेट होता है। देखिए मैं अभी डेली क्राइम्स 2 देख रहा था और एक एपिसोड बचा है, लेकिन माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेज हैं, माइंड ब्लोइंग स्टोरी है, कितने अच्छे से डायरेक्ट किया गया है, एक एक किरदार कमाल का। थैंक यू सो मच यार, थैंक्स लॉट।